हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग स्टूडियो में डिस्कस करेंगे कैसे जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करें। जैसे आपको दे दिया 3 whole 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 whole 2/7। हमें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपल, आप क्या करोगे, पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करने क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर से इस होल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। जैसे 2 3 6 6 और 1 हो जाएगा 7, तो हम लिख देंगे 7 आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका वही जो डिनोमिनेटर था वही रहेगा 7/2। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, इसी तरह यहाँ पे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28 और 28 + 2 = 30, तो 30/7। हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए ये 2, ये 7 से ये 7 कट गया, 2 1 ज़ा और ये 15 टाइम्स में आ गया, ठीक। हमारे पास कौन से फ्रैक्शन बचे, हमारे पास यहाँ पे बचा 1/1 × 15/1। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 15/1 और नीचे 1 अगर लिखा है तो उसको आप लिखो ना लिखो बात देखिए, तो 15 हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना, जैसे आपके पास हमने ले लिया 3 whole 7/4 एंड मल्टीप्लाई करना है आपको, आपका है 2 whole 6/5, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करोगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 = 12 और 12 + 7 हो जाएगा आपका 7 8 19, तो ये हो जाएगा 19/4। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 3 5 = 15 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 5 = 10 और 10 + 6 = 16, तो 16/5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्रॉस में कट ही नहीं रहा है, हाँ कट रहा है, देखिए कि यहाँ पे 4 1 ज़ा एंड 4 4 ज़ा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर हमारे पास बचा है 19/1 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक। अब देखिए कोई क्रॉस में डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 ज़ा हो जाएगा दोस्तों 36, 3 कैरी जाएगा यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 और 4 76, तो 76/1 5 ज़ा 5, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप मिक्स फ्रैक्शन है उनका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल मेथड था, अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हो उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब होगा तो सिंपली जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करके इस सम्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वाकई ये भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और से ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं मैथ्स टॉपिक पर तो हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।